नमस्कार, ज्योतिष निगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ इंटरनेशनल फ्रेम। यदि आपके हथेली में वो चिन्ह हैं, वो साइने हैं, वो रेखाओं का योग है, युति है, तो आपको इंटरनेशनल फ्रेम मिलता है। अब देखिए, इंटरनेशनल फ्रेम के सामने नेशनल फ्रेम और सोसाइटी फ्रेम तो छोटा पड़ता है ना, तो इंटरनेशनल फ्रेम मैं बताऊंगी। तो देखिए, अगर आपके हथेली में तीन चार चीजें को देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपके सूर्य को देखना पड़ेगा, आपके शुक्र को देखना पड़ेगा, आपके गुरु को देखना पड़ेगा, आपके चंद्र को देखना पड़ेगा और आपके हाथों में चिन्हों को देखना पड़ेगा। यदि आपका हाथ, सबसे पहले आपका हाथ यदि आयताकार हो, दूसरा चीज पिंकी सो पिंक कलर का हो, तीसरा चीज सारी फिंगर एकदम से सीधी हो, सारी फिंगर पे खड़ी खड़ी वर्टिकल लाइनें हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से लाइनें हो, और आपके हथेली में सूर्य माउंट पे मत्स्य का साइन हो, यदि सूर्य माउंट पे मत्स्य का साइन हो, सूर्य माउंट पे स्टार का साइन हो, स्टार का साइन एक नया स्टार इस प्रकार से भी आप लोगों को आई थिंक मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो इस प्रकार से हो, और इस प्रकार से तो स्टार है ही है, तो इस प्रकार से अगर हथेली में स्टार का साइन हो, सूर्य माउंट पे फिश का साइन हो, सूर्य माउंट पे यदि ध्वजा का साइन हो, सूर्य माउंट पे यदि ट्रायंगल हो, तो ऐसे जातक को इंटरनेशनल फेम मिलते हैं। नेम और फेम दोनों मिलते हैं, दौलत शोहरत दोनों मिलता है, इस प्रकार से हो। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल फेम, एक कंडीशन। दूसरा, अब आइए आपका चंद्र। चंद्र जो कि आपको ले ही जाता है दूर, अपने देश से दूर, सुदूर यात्रा यानी कि समुद्र यात्रा, इन यात्रा को दिखाता है। तो चंद्र पे भी यदि आपको फ्लैग का साइन हो, मंदिर का साइन हो, चंद्र पे यदि आपको किसी तरह का मत्स्य का साइन हो, या फिर चंद्र पे आपको डमरू का साइन हो, इस प्रकार से डमरू, ये सब आपको विश्वव्यापी फेम देता है, विश्वव्यापी नाम देता है, प्रसिद्धि देता है। तो इस तरह से डमरू का साइन हथेली में हो, चंद्र माउंट पे, गुरु माउंट पे, तो ऐसे जातक को भी इंटरनेशनल फेम मिलता है। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम समराइज करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो। हथेली इस प्रकार से होते हैं तो ऐसे जातक को इंटरनेशनल फेम मिलते हैं। जब इंटरनेशनल फेम मिल सकते हैं तो छोटे मोटे फेम तो बात ही नहीं करना उनका। और अब आइए शुक्र। तो शुक्र भी आपका लग्जरियस लाइफ का होता है, शुक्र आपका होता है कंफर्ट जोन का होता है, तो आपके हथेली में शुक्र पर्वत भी डेवलप हो। यदि शुक्र पर्वत पे आपको लोटस का साइन, फ्लावर का साइन मिल जाए, शुक्र पर्वत पे मंदिर का साइन मिल जाए, शुक्र पर्वत पे मत्स्य का साइन मिल जाए, शुक्र पर्वत पे स्टार का साइन मिल जाए, और स्टार इस प्रकार से स्टार का साइन मिल जाए, या फिर शुक्र पर्वत पे आपको टेम्पल वगैरह का साइन मिल जाए या फ्लैग का साइन मिल जाए, तो ऐसे जातक को भी इंटरनेशनल फेम मिलता है। अब आइए गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पे भी आपको देखना पड़ेगा गुरु की फिंगर लॉन्ग हो, क्योंकि गुरु की फिंगर जब तक हथेली में जब आप देखोगे सीधी तो हो ही हो, प्लस गुरु की फिंगर और आपकी सूर्य की फिंगर दोनों लॉन्ग हो यानी कि बैलेंस हो, तभी आपके अंदर महत्वाकांक्षा और सौभाग्य दोनों का बैलेंस होगा, तभी आप नेम चाहिए ना। अब महत्वाकांक्षा तो आप एक तरह से आप स्वार्थी हो गए, आप तो अपना स्वार्थ किसी भी रूप में पूरा कर लोगे, बट आपके अंदर यदि स्वाभिमान रहेगा तो आप किसी रूप में अपना स्वार्थ नहीं पूरा करोगे, अच्छे वे में पूरा करोगे ताकि लोग आपके नाम को रिस्पेक्ट दें। तो आपके यदि सूर्य अच्छा हो, सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर दोनों बिल्कुल बराबर हो, बैलेंस हो, तो ऐसे जातक को इंटरनेशनल फेम मिलता है। रिस्पेक्टिंग बहुत होते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है उनके नाम के लेने से पहले लोगों के अंदर रिस्पेक्ट की भावना आती है। यदि हथेली में आपके मंदिर का साइन हो, फ्लैग का साइन हो, डमरू का साइन हो, स्वास्तिक का साइन हो, किसी तरह का आध्यात्मिक साइन हो, प्लस इस तरह से फिंगरें अच्छी हो, तो ऐसे जातक को इंटरनेशनल फेम मिलते हैं। बहुत रिस्पेक्ट उनके नाम को लेने से पहले कोई भी बच्चा बच्चा रिस्पेक्ट लेता है। ऐसा नहीं कि अमीर तो बहुत हैं लेकिन कोई बहुत गंदे तरीके से दो गालियां देके उसका नाम लेता है, कोई बहुत प्यार से, कोई रिस्पेक्ट देके नाम लेता है। तो यदि हथेली में अच्छे साइन है, स्पिरिचुअल साइन है, अच्छे साइने हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे वे में मिलेगा। इस प्रकार से योग यदि हथेली में बन रहे हैं, और गुरु पर्वत पे भी हो तो ऐसे ज्यादा काफी विद्वान हो जाते हैं। धन के क्षेत्र में ये लोग काफी एक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग, जिनके भी हथेली में यदि गुरु माउंट पे मंदिर का साइन हो, डमरू का साइन हो। देखिए, डमरू का साइन इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ क्योंकि ये डबल ट्राइंगल है ना, डबल ट्राइंगल। हर साइन के पीछे देखिए लॉजिक, देखिए एक सिर्फ ट्राइंगल आपको बहुत कुछ देता है, यहाँ डबल ट्राइंगल है, तो डबल ट्राइंगल का मतलब डमरू, डमरू, डमरू का मतलब एक तो शिवजी का कृपा, दूसरी चीज आपको ये आध्यात्मिक साइन है तो आपको अच्छे से नेम फेम देगा, क्योंकि आपका दिमाग ही उतना अच्छा रहेगा कि आपको, आप सब कुछ अपने बदौलत गेन करोगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई खैरात में दे दिया कुछ भी, आप अपने दम पे, अपने ज्ञान से, अपने एफर्ट से आप हर चीज को अचीव करोगे, किसी का रिफरेंस नहीं, किसी का खैरात नहीं मिलता है। ऐसे जातकों को जिनके भी हथेली में ये सब चीज होते हैं, सब ये जातक अपने खुद मेहनत से करते हैं। तो इस तरह से यदि हथेली में साइन हो, और देखिए एक साइन और होती है
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होती है, जैसे हाथी का साइन हो, यदि हाथी का भी हथेली में साइन हो, तराजू का भी साइन, ये आपको पैसा देगा। बट नेम फेम वाला साइन जो भी होते हैं वो हो गए, स्टार का साइन हो गए आपके, प्लस आपके हथेली में ट्रायंगल हो, डमरू हो, तो ये आपको विश्व विख्यात बनाते हैं। ठीक है, ये साइन आपको विश्वव्यापी बनाते हैं, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, हथेली का फिंगर भी देखना पड़ेगा, माउंट भी देखने पड़ेंगे और रेखाएं भी देखनी पड़ेगी, खास करके जीवन रेखा। जीवन रेखा इसलिए मैं देखने की बात करती हूँ, ये आपके लाइफ के मेजर मेजर इवेंट को बताता है कि किस उम्र में आपको इस प्रकार की फेम मिलेगी। मान लीजिए आपकी सन माउंट पे इस तरह की कोई साइन है, बट क्या है ना, यहाँ पे सन माउंट पे है और रेखाएं एकदम से छोटी है, तो मिलेंगे थोड़ा सा एज 45 के अराउंड के एज हो जाएगी, तो फिर आपको इस तरह की फेम मिलना शुरू हो जाएगा। बट वहीं पे यदि आपके चंद्र माउंट पे, गुरु माउंट पे, या फिर यहाँ बीच के एरिया में, या फिर किसी रेखा के द्वारा बन रही है, तो ये आपको अर्ली एज में सक्सेस देगा। और सबसे बड़ा इवेंट को देखना है तो आप अपने इस लाइन को देखिए, अपने लाइफ लाइन को देखिए। अगर लाइफ लाइन पे कोई राहु रेखा इस तरह से काट रहा है तो ये निगेटिव इवेंट को बताता है। यदि आपके लाइफ लाइन से कोई रेखा इस प्रकार से निकल रहा है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव इवेंट को बताता है। यदि आपके लाइफ लाइन पे इस तरह से ट्राइंगल बने, इस तरह से वर्ग बने, तो ये आपके पॉजिटिव इवेंट को बताता है। प्लस आपके लाइफ लाइन से कोई रेखा आपके चंद्र पर्वत पे आए तो ये आपके पॉजिटिव इवेंट को बताता है। इतना क्लियर कट आई थिंक आज तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा। इसके बाद भी आप लोग अगर कुछ निगेटिव कमेंट करते हैं तो ये आपकी मानसिकता को बताता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आए, कुछ भी ज्यादा नहीं। और मैं हर वीडियो में अब लगभग ये चीज बोलूंगी, जिससे इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में या फिर एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री वगैरह, वो वीडियो स्किप कर दे, कृपया ना देखें ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।